इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मेरा सच, आपका सच, खबर के पीछे की खबर का सच, राजनेता के चेहरे के पीछे वाले चेहरे का सच, घोटाले बाजों के पीछे वाले घोटालों का सच, मोहरों के पीछे वाले मोहरे वालों का सच, खेल के पीछे चलने वाले खेल का सच। 27 बरस से जारी है इस सच की अंतक तलाश। मैं मनीष अवस्थी, जन्म हैदराबाद में हुआ, मां मेरी हैदराबादी थी, नाना के वंशजों का हैदराबाद के निजामों से नाता रहा। यूपी के उन्नाव में बाबा पर बाबा का पुश्तैनी बसेरा रहा, लेकिन मेरा ठिकाना बन गया नागपुर। मेरी पहचान में शामिल हो गया जीरो माइल वाला नागपुर, इंडिया के सामाजिक आंदोलनों का जीरो माइल, सेवाग्राम राष्ट्रपिता बापू की कर्मभूमि। तो मोहितेवाड़ा महाल में गूंजा संघ का जय घोष। आम्बेडकर की दीक्षा भूमि ने मुझे भी न जाने कितनी विधाओं में दीक्षित कर दिया। सच कहूं, मनीष अवस्थी का कद बढ़ता गया, पर बबलू मां की गोद में सिमटा रहा। बबलू ने हर माह दिल्ली से नागपुर की उड़ान भरी। मां की गोद की ललक, मां के साथ कुछ पलों की तड़प ने मेरे अंदर बहुत कुछ जिंदा रखा। मां ने मुझको मैं बनाया। मां ने मुझको कुछ यूं गढ़ा कि जिंदगी में मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, और जिंदगी में मैं डरा नहीं।